इट डजंट मैटर कि आप एक बार्सिलोना का फैन हो या फिर रियल मैड्रिड के, क्योंकि कल दोनों ही टीम ने ला लीगा में कमबैक्स पे कमबैक्स करके दिखा दिए हैं। तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू बाइचर ऑफ 19, और अगर आप लोग पहली बार इस चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हो तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं बार्सिलोना वाले गेम से। तो बार्सिलोना का गेम था कल संडे को यहाँ पे रियल बेटिस के साथ, जो कि एक अवे गेम था और काफ़ी टफ होता है रियल बेटिस के साथ खेलने के लिए। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम बार्सिलोना के साथ ये था कि आंद्रेस क्रिस्टियनसन, जिसको एक इंजरी हो चुकी है, वो बाहर हो चुका है, आई डोंट नो कब तक वो वापस आएगा। तो पाओ कुर्बासी जो है एक यंगस्टर है, ठीक है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये है पाओ कुर्बासी, नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन चला लो। पाओ कुर्बासी एक 16 साल का लड़का है जिसको कल डेब्यू मिला ला लीगा में, और एक बात बताऊं, ही वॉज नॉट बैड एट ऑल, ही वॉज प्रिटी गुड। एक 16 साल का लड़का अलॉन्ग साइड रोनाल्ड अराउहो स्टार्ट कर रहा है सेंटर बैक में फॉर बार्सिलोना इन अवे गेम, नॉट अ होम गेम, अवे गेम में। और पहले 5-10 मिनट थोड़ा सा शेकी लगा, ऑब्वियसली होता है भाई, 16 साल का लड़का, ऑब्वियसली ही इज। और उसके बाद जैसे ही मैच प्रोग्रेस करने लगा उसका कॉन्फिडेंस और हाई हो गया, वो ब्रेक थ्रू पासेस निकाल रहा था, थ्रू पासेस टू फ्रेंकी डी योंग को दे रहा था, और जो लेफ्ट सेंटर बैक वाला पोजीशन है, क्योंकि बाल्डे ऑब्वियसली वो आगे चढ़ रहा था अटैकिंग पोजीशंस में, तो उस पोजीशन को काफ़ी अच्छी तरीके से होल्ड किया, टैकलिंग काफ़ी अच्छी लगी, एरियल ड्यूल्स भी जीते। तो ओवरऑल एक अच्छा यंग प्रोस्पेक्ट है, ला मासिया से है बंदा, तो देखना पड़ेगा आगे जाके जावी इसको कितना मौका देता है और कितना डेवलप कर पाता है। अब आते हैं गेम के ऊपर। इस गेम ने ना एक चीज़ बहुत बढ़िया की है, वो है फेरान टोरेस। कल रात था भाई फेरान टोरेस का, बंदे ने पहला हैट्रिक मारा है बार्सिलोना के लिए, 21st, 48 और 19th मिनट में बंदे ने गोल मारे हैं तीनों। लेकिन ये गेम ना अगर किसी ने चेंज किया है इस गेम में, गेम चेंजर अगर आप बोलो ना कि गेम चेंजर कौन था, वो था यहाँ पे जाओ फेलिक्स। क्योंकि फर्स्ट हाफ में जब बार्सिलोना ने ऑलरेडी पहला गोल मार दिया था, सेकेंड हाफ के शुरू में दूसरा भी मार दिया, लेकिन उसके बाद एक घटना घटती और वो ये था कि इसको फॉर्मर रियल मैड्रिड प्लेयर हॉन्टेड बार्सिलोना अगेन, दो गोल मार दिए बंदे ने, एक 56 पे और एक 59th मिनट के ऊपर, और दोनों में ही बार्सिलोना के डिफेंस की गलती थी वहाँ पे, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वॉच अलॉन्ग कल नहीं किया लेकिन पूरा गेम देखा था। तो बार्सा की डिफेंस की प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे दोनों गोल हमको पड़ गए। लेकिन उसके बाद जब जावी ने राइट टाइम पे सब्स्टिट्यूशन किए, क्योंकि जावी जाना जाता है सब्स्टिट्यूशन बहुत लेट करने के लिए, लेकिन कल के गेम में जावी ने यहाँ पे समय रहते अच्छे खासे सब्स्टिट्यूशन कर दिए यहाँ पे, जहाँ पे उसने पेड्री को हटाया, फर्मिन लोपेस को लाया, ताकि वो प्रेसिंग में वो रिलेंटलेस दिखा पाए, बिकॉज वो एक रिलेंटलेस प्रेसर है। साथ में जाओ फिलिक्स को लाया गया यहाँ पे, विक्टर रूके को लाया गया, लेवनडॉस्की को सब कर दिया गया, और फेरान टोरेस को रखा गया आखिर तक, जिसने यहाँ पे हैट्रिक मारा। और जो बॉल वहाँ पे मिली थी भाई, उसमें भी फेरान टोरेस का योगदान था, एसिस था बंदे का, और क्या फिनिश किया भाई जाओ फिलिक्स भाई, वॉट आउटसाइड ऑफ द फुट शॉट लिया उसने एकदम, मतलब कर्लर, छोटा सा कर्लर होके बॉल गया और हमको 3-2 की बढ़त दिला दी यहाँ पे 90th मिनट के ऊपर, समझ रहे हो, एक्स्ट्रा टाइम से जस्ट पहले। और उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम पे 92-93 मिनट के आसपास यहाँ पे फेरान ने अपना हैट्रिक भी कंप्लीट कर लिया। तो ओवरऑल एक गुड गेम था बार्सिलोना के पॉइंट ऑफ व्यू, तो क्योंकि हम लोग पिछले बहुत समय बाद 4 गोल स्कोर किए हैं, फोर्सेलोना जिसको हम बोलते थे ना पहले, फोर्सेलोना, बहुत टाइम के बाद बार्सिलोना ने 4 गोल स्कोर किए, वरना हम लोग एक गोल के बाद दूसरा गोल स्कोर करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। तो एक अच्छी बात है गोल स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि बार्सिलोना यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गोल स्कोर कर पा रही है। और मिडफील्ड, कल मिडफील्ड बहुत बढ़िया खेली बार्सिलोना की, फ्रेंकी डी योंग, गुंडोगन और पेड्री, ये तीनों इतना अच्छा बॉल कंट्रोल कर रहे थे और मिडफील्ड को शेप दे रहे थे कि मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ पे अगर आप पोजीशन देखोगे ना, 65-35 बार्सिलोना के हित में, यहाँ पे 65% पोजीशन है और पास एक्यूरेसी, पासेस भी ऑलमोस्ट डबल ही आप बोल सकते हो यहाँ पे रियल बेटिस की तुलना में। ओवरऑल बार्सिलोना के लिए अच्छा गेम था। करंटली बार्सिलोना ऑन द थर्ड, जहाँ तक देखने को मिल रहा है यहाँ पे टेबल पे है हम लोग, और टेबल भी एक बार खोल ही लेते हैं यहाँ पे देख लो। जिरोना 21 गेम्स प्लेड 52 पॉइंट्स, रियल मैड्रिड 20 गेम्स प्लेड 51 पॉइंट्स एंड बार्सिलोना 20 गेम्स प्लेड 44 पॉइंट्स। तो हम लोग 7 पॉइंट पीछे है यहाँ पे रियल मैड्रिड से, 7 पॉइंट पीछे, ज़्यादा पीछे नहीं है हम लोग। तो हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है, अपने जितने भी गेम है ना पॉइंट्स नहीं ड्रॉप करने, और पॉइंट्स नहीं ड्रॉप करने से और रियल मैड्रिड से आते हैं हम लोग यहाँ पे अभी दूसरे गेम के ऊपर। जी हाँ, बार्सिलोना का तो गेम हमने देख लिया, अच्छा था यहाँ पे, जावी ने बहुत अच्छा किया, और मुझे अभी भी लगता है भाई जावी के ऊपर फेथ रखना चाहिए बार्सिलोना के मैनेजमेंट को, क्योंकि ये वही मैनेजर है जिसने आपको जब पहली बार आया था बार्सिलोना 9th 10th पोजीशन पे था 2021-22 सीजन के, जहाँ पे
आप लोगों के मतलब मेसी के बाद वाला जो सीजन था ना वो वाला, वहां से उसने सेकंड पे फिनिश करवाया था बार्सिलोना को। तो आई थिंक यहाँ पे शावी को और थोड़े दिन वक्त देना चाहिए, और भूलना नहीं चाहिए कि हमारा अगला जो बड़ा गेम है वो है नापोली के साथ चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16। और नापोली करंटली मिड टेबल पे भी नहीं है, मिड टेबल से भी लोअर पे आ गई है सेरिया में। तो नापोली इस वक्त अपने वीकेस्ट पोजीशन पे है, और हमको चाहिए इस वक्त बार्सिलोना का जो अभी फॉर्म गेन हो रहा है धीरे धीरे, ये फॉर्म और अच्छा हो और फेब्रुअरी में जाके हम लोग चैंपियंस लीग में भी इस टीम के साथ और बढ़िया कर पाए। लेकिन अगर मैं एक प्लेयर का बात यहाँ पे ना करूँ ना तो नाइंसाफी होगी और इस वीडियो को फिर मतलब कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो था लामिन यमाल, बंदा 16 ईयर ओल्ड किड, अगेन अनदर 16 ईयर ओल्ड लामिन यमाल, 1v1 2v1 हर जगह पे वो राइट विंग को ओन कर रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमें रफीनिया की ज़रूरत है, या रफीनिया को बिल्कुल मिस नहीं कर रहा था मैं कल के गेम में, क्योंकि जब जब रफीनिया राइट विंग के ऊपर होता है वो या तो वहाँ पे जाके बैक पास करता है राइट बैक जो होता है कुंडे को, या फिर जब जब यहाँ पे कंसेलो खेलता है, या फिर वो कट बिहाइंड करके निकल जाता है। लेकिन वो कभी भी यहाँ पे ड्रिबल पास करने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि उसको पता नहीं होगा यहीं पे लामिन यमाल बार बार ड्रिबल पास कर रहा था, प्लेयर्स को काट रहा था, और लेवनडॉस्की और फेरान टोरेस के लिए बॉक्स के अंदर वो लोग अराइव हो रहे थे, उनके लिए अच्छे खासे बॉल्स बना के दे रहा था। और कई बार तो उसके शॉट्स ऐसे भी तो जो पोस्ट पे लग के बाहर चले गए, अनफॉर्चुनेट थे, वरना गोल हो जाते। फर्स्ट हाफ में लामिन यमाल के 2 गोल हो जाने चाहिए थे, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस था। मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे ही इज़ अ किड, ज़्यादा मत खिलाओ, लेकिन उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करने का कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। ही इज़ टू गुड टू बी इन द बेंच, बेंच पे रखने जैसा प्लेयर नहीं है वो। और आने वाले टाइम में बार्सिलोना को एक राइट विंगर खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर इसी तरह लामिन यमाल अपने आप को डेवलप करता जाए, अपने गेम को और ज़्यादा बेहतर करता जाए, और पेस भी आएगी धीरे धीरे। अभी उसका पेस थोड़ा कम है बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी 16, लेकिन जब जब अगले 1-2 साल या फिर 3 साल बाद आप देखोगे इसका भी पेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तब ये भी मतलब डेम्बेले एम्बापे के लेवल का जा सकता है। तो यही था भाई बार्सिलोना का पोस्ट मैच रिएक्शन इस गेम के ऊपर। 4-2 हमने यहाँ पे बेटिस को हरा दिया, थर्ड पोजीशन पे पहुँच गए हैं हम लोग। बात करें कंट्रोवर्सी की, और रियल मैड्रिड का नाम ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो कल के गेम में यहाँ पे अल्मेरिया जो कि बॉटम में है एकदम ला लीगा के, उसने 2 गोल मार दिए थे हाफ टाइम से जस्ट पहले, और ऐसा ही लग रहा था कि रियल मैड्रिड जो है वो 3 पॉइंट्स ड्रॉप करेगी। लेकिन सबको पता है भाई रियल मैड्रिड आर द कमबैक किंग्स, और वही किया उन्होंने। पहले तो जूड बेलिंगम ने पेनल्टी को अच्छे तरीके से कन्वर्ट किया यहाँ पे 57th मिनट के ऊपर, उसके बाद विनीशियस ने गोल मारा 67th मिनट पे, और एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन वहाँ पे दिया गया अगेंस्ट अल्मेरिया जो कि मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए था, वीएआर की गलती थी वहाँ पे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे फ्लोरेंटिनो पेरेज भाई ओन्स द वीएआर इन स्पेन एटलीस्ट ला लीगा में, तो बोल सकते हो, आपका ओपिनियन है। मैंने भी गेम देखा, आपने भी गेम देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा आपने आप हाइलाइट्स देख सकते हो जियो सिनेमा पे ऊपर जाके, और फिर आप आके कमेंट करो कि आपको क्या लगा, क्या वो डिसीजन जो अल्मेरिया के अगेंस्ट गया क्या वो सही था या गलत था, क्योंकि वीआर सब ने देखा है, हाइलाइट्स भी सब देख सकते हैं, क्लिप्स भी निकले हुए हैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पे। तो आप देखो जाके और जज करो, फिर आप आके कमेंट करना कि रियल मैड्रिड फेयरली वहाँ पे जीता ही यह गेम या फिर उनको जिताया गया है। और कारवाहाल ने आखिरी में यहाँ पे गोल मारा 90+9 मिनट्स पे, या 11 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिला था इस गेम में, और रियल मैड्रिड यहाँ पे जीत के यहाँ पे टॉप ऑफ द टेबल पहुँच गई। ऑब्वियसली जिरोना उसके बाद अपना गेम जीत गई, एक्स्ट्रा गेम खेल के वो लोग अभी टॉप ऑफ द टेबल पहुँच गए, लेकिन रियल मैड्रिड के लिए ये विन बहुत इंपॉर्टेंट था। डिस्पाइट द डिसीजंस ऑफ रेफरी एंड वीआर, रियल मैड्रिड हैव अ डिसेंट गेम, मैं बोल सकता हूँ। उतना बढ़िया नहीं था फर्स्ट हाफ, दे वॉर स्ट्रगलिंग टू गेट द बॉल इन द फर्स्ट हाफ, क्योंकि अल्मेरिया बहुत बढ़िया प्रेस कर रहा था, और ऐसे टीम्स जो होता है ना ये प्रेस बहुत बढ़िया करते हैं, और डिफेंसिवली स्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहता है। उन लोगों ने रियल मैड्रिड को बहुत लंबे समय तक बांध के रखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिसीजंस उनके हित में नहीं गए। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस थे जो जा सकते थे उनके हित में, वो नहीं गए, और आखिर में वो लोग ये मैच 3-2 से हार गए। एक डिसअपॉइंटेड डे था यहाँ पे अल्मेरिया के लिए, और रियल मैड्रिड फैंस के लिए था एक जॉयफुल डे, क्योंकि वो लोग टॉप ऑफ द टेबल पहुँच गए जिरोना के हटा के यहाँ पे। तो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना दोनों ने ही इस गेम वीक में अपने अपने ओपोनेंट्स को हराया और टॉप ऑफ द टेबल पहुंचे, और सिर्फ पहुंचे नहीं कमबैक करके पहुंचे। या तो वो लोग बिहाइंड थे या फिर वो लोग कंसीड कर गए थे, इक्वलाइजर खा गए थे, उसके बावजूद वहां पे वो लोग पहुंच गए अपने जीत की तरफ। और इसी से पता चलता है कि यूरोपियन रॉयल्टी जो आप बोलते हैं ना, यूरोपियन रॉयल्टी क्या है, हेरिटेज क्लब, बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड रियल मैड्रिड बार्सिलोना, दे प्रूव्ड अगेन येट अगेन दैट व्हाई दे आर कॉल्ड द बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड। तो भाई यही था, मतलब एक अब बोल सकते एक पोस्ट मैच रिएक्शन था रियल मैड्रिड गेम के ऊपर जो मैंने पूरा देखा, और बार्सिलोना का भी गेम।
और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अभी जाके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस आउट।